बात करते हैं जोधपुर में एम्स में गुरुवार को दो देह दान की गई है और एक देह जो है वो 3 साल की बच्ची ज्योति की थी, जो दूसरी है वो 77 साल के अर्जुन राज मेहता की है। इतनी छोटी बच्ची की देहदान का संभवतः देश में ये पहला केस है। और शिव गोटन निवासी ज्योति को जन्म से ही दिल की बीमारी थी, उसने गुरुवार को अल सुबह अंतिम सांस ली। ज्योति के पिता उम्मेद सिंह और माँ राजू कंवर ने बिना किसी काउंसलिंग के अपनी बेटी की देहदान करने का फैसला लिया। उधर भगवान महावीर नगर पाल यानी कि लिंक रोड निवासी अर्जुन राज मेहता का इलाज MDMH में चल रहा था, बुधवार देर रात उनका निधन हो गया। मेहता की पत्नी भगवंत और पुत्र चंद्रेश ने देहदान किया और इसका फैसला भी लिया। और इसमें एम्स जोधपुर के एनाटोमी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर आशीष नैयर ने बताया कि MBBS और रिसर्च कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ज्योति की बॉडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स जो अभी तक किताबों और वीडियो में से ये पढ़ रहे थे, वो अब एडल्ट और बच्चों की बॉडी के अंतर को प्रैक्टिकल देख सकेंगे। एम्स में अब तक 108 देहशोध के लिए दान की जा चुकी है और इस साल ये 7वां देहदान है। तो बात करेंगे जोधपुर में ज्योति के देहदान पर सीएम अशोक गहलोत ने संवेदना जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये संवेदना जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है कि ज्योति की देहदान के फैसले की भावना सम्मान योग्य है। किसी भी परिवार के लिए अपने बच्चे को खोना अत्यंत दुखद होता है। मैं इस कठिन घड़ी में महसूस यानी कि जो मासूम बच्ची के अभिभावकों के साथ हूँ, ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करें।